नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई ये है HMT 5911 जो कि अपना पंजाबी में ज़्यादातर नाट 11 के नाम से ज़्यादा मशहूर ट्रैक्टर है। तो आज इस ट्रैक्टर के ना ओनर से मिलवाऊंगा आप लोगों को। और ये ट्रैक्टर ना बिल्कुल एकदम अभी बिल्कुल मॉडिफाई होया ही है, बस घर पर लेके जाने के लिए भाई आया था और मेरे को मिल गया ये। तो जो ओनर है ट्रैक्टर उससे भी बात करवाएंगे। और भाई जो ट्रैक्टर पूरा तैयार कर रखा है ना, उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, आप लोग उस पर उससे बात कर सकते हो अगर किसी भाई ने अपना ट्रैक्टर जैसे मॉडिफाई करवाना हो। और बंदे ने ना आगे से लेकर जेन्युइन बिल्कुल एकदम बढ़िया एकदम पूरा ट्रैक्टर खोल के दोबारा पूरा तैयार कर रखा है। फ्लैट पायदान और छोटी छोटी जो अपने जमींदारे के अंदर जो काम करने की चीज़ें हैं ना, वो सारी लगा दी इस ट्रैक्टर के अंदर। वो तो जैसी भाई की डिमांड थी उसके हिसाब से कर दी। तो चलो भाई से इस जो इस ट्रैक्टर ओनर उनसे बात करवाते हैं और फिर ट्रैक्टर भी दिखाऊंगे आप लोगों को चला के। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल मेरे वीर भरावां नूं सारयां नूं। भाई जी अपना एक बार इंट्रोडक्शन दो दोस्त। मेरा नाम ही अर्पण सिंह है, मैं पिंड कौणी दा जिहड़ा नेड़े श्री मुक्तसर साहिब दे है। नेड़े श्री मुक्तसर साहिब है। डिस्ट्रिक्ट अपनी कौन सी है? बठिंडा नहीं, गिदर। अच्छा गिदरबा, ठीक गिदरबा डिस्ट्रिक्ट। और चलो ठीक है, पंजाब होगा। तो दोस्त ये ट्रैक्टर मॉडल कौन सा भाई? ये 1986 मॉडल है। 1986 मॉडल? हाँ जी। इतना पुराना ट्रैक्टर है? हाँ जी। नया लेके आए थे क्या? हाँ जी, मेरे दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने लिया। उनका नाम और बता दे यार। गुरतेज सिंह चीमा जी। गुरतेज सिंह चीमा, कच्चा नाल शारा सिंह चीमे दे नाते पिंड जानदे। अच्छा, वो नया लेके आए थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम नवा लेके आए। तो आपको पता हो जैसे वो बताया उन्होंने, कितने का क्या आया था ट्रैक्टर ध्यान होता है? तभी लगभग 80 और 85 हज़ार का ट्रैक्टर आया था जी। अच्छा, उस टाइम 80-85 के अराउंड में ट्रैक्टर आया था। तो जैसे ये भी इतना पुराना ट्रैक्टर है, माने तो ये कौन 86 मॉडल ना? हाँ जी, 86 मॉडल है ये। तो इतना पुराना ट्रैक्टर आज 2023 में भी आप रख रहे हो, तो मुझे ऐसी खास क्या है इस ट्रैक्टर में? खास तो बस दादी की निशानी सी रखी है शाम की। अच्छा। हाँ जी, बहुत कमाई की थी ट्रैक्टर ने साड़ी। मेरे फादर साहब ने बहुत कमाई की थी ट्रैक्टर ना, जो जिम्मेवारी है, जो मेन इस पे ही है, मेन सारी इस पे ही है। वो तो बस खाली वो हाथी का दांत टाइप का कह सकते हैं दिखाने के लिए है। मेन काम तो यही करता है। फिर अपना आपने ये पूरा ट्रैक्टर बिल्कुल एकदम पूरा मॉडिफाई करवा दिया, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू बनवा दिया। मतलब इससे काम करोगे या फिर इसको रेस्ट दोगे? नहीं, काम ही करेंगे ताकि तैयार। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। देखो चला, आप खुद को भी अच्छा लगा ट्रैक्टर चलाने में। तो अपना ये ट्रैक्टर अपना यहीं वर्कशॉप पर साहब ठीक करवाया? हाँ जी। नहीं, ये अपना काम इंजन तो लेके मगरले से दा होए भोला मिस्त्री अपने इथे। अच्छा। हाँ जी, बरनाले। अच्छा, ते पेंट दा काम इथों होया जी। बंपर ते जेड़े अपने पायदान वगैरह है, पायदान वगैरह आ, ये अपने रुड़के कलां तो लगे है। शो दा काम अपने इथे मिस्त्री ने कीता जी इथे। ठीक ठीक। मतलब कुल मिस्त्री तो काम होए जेड़ा अपना बंपर दा ते आ पायदान दा। अब आपने जैसे आगे से लेके पीछे तक पूरा ट्रैक्टर जैसे कंपनी से आया था, उससे कहीं ना कहीं अच्छा ही बनवाया है। हाँ जी, अच्छे बनवाया है। एक बार थोड़ा आवाज और सुना दे यार, इधर चला के दिखा दे, थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखा दे। पेंट किया है, सूखा नहीं है, लेमिनेशन है। अच्छा, लेमिनेशन है क्या? हां, लेमिनेशन मारा हुआ, अभी सूखा नहीं है। चलो कोई नहीं, नीचे से खड़े होकर स्टार्ट कर देंगे, तो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। नीचे से कर दे स्टार्ट यार, आवाज तो सुनेंगे ट्रैक्टर, ऐसी बात नहीं है। स्लो कर रे, स्लो कर। ये है ना ओरिजिनल आवाज था यार ट्रैक्टर की। ये तो बंदे ने तैयार करने वाले ने ऐसा कर दिया, तो कंपनी से भी नहीं आया हुआ था। तो कर दे बंद, कर दे भाई, कर दे बंद, कर दे। ये देखो भाई, इन भैया ने ना यहाँ पर ये डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रखा है। नंबर देखो इनके, ये दोनों नंबर हैं, बरनाला में इनका अपना है। आप इनसे ना कॉल कर सकते हो। वैसे तो होता तो 9 से 5 का टाइम है, पर इनके पास कभी भी कर लिए उठा लेंगे। बंदे बढ़िया हैं। तो वह ट्रैक्टर दिखाते हैं बाकी शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या बंदे ने तैयार करवाया है। शुरू में तो बिल्कुल साधारण सा अपना वही बंपर जो आता था अपना नॉर्मल सा, आजकल जो चल रहा है ट्रेंडिंग में। और आगे बड़े बड़े हेडलाइट लगवा दी, कलरफुल ऑरेंज कलर के साथ में, और बड़े हॉर्न लगवा दिए नीचे नीचे जो इसके अंदर जाली के अंदर बड़े हॉर्न लगा रखे हैं। अच्छा, ये स्विच लगा दिया क्या? दबाओ। अरे वाह, ये भी सुविधा दे दी, सिंगल पीस बोनट और सिंगल बटन से ऑन हो जाएगा सारा।
अच्छा सिंगल एक हाइड्रोलिक जैक लगा दिए इसमें। वाह वाह वाह, ये चीज़ बढ़िया लगी जी आपकी। अच्छा ये इस तरीके से कर दिया। ट्रैक्टर में कहीं उंगली रखने की जगह है भाई? यहाँ उंगली रख कर भाई ये चीज कमी रहेगी। मिनटा जो दस दे जी, जो कोई कमी पेशी रहेगी हो तो सुधार देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो वो तो एक आदमी इंसान से ही गलती होती है। हाँ। वो एक अलग है, फिर भी जैसे देखने में ना जैसे बारीकी से देखे तो भी इसमें लगता नहीं कोई कमी रहेगी होगी ट्रैक्टर के अंदर। और पेंट क्वालिटी ने देखे तो बस 15 साल की गारंटी है पेंट की। 15 साल की? वाह जी, आपने 15 साल के नाम का तैयार कर दिया है। हाँ जी। खर्चा कितना आ गया होगा इसमें लगभग? लगभग 4.75 आ गया। 4,75,000 रुपये पूरे ट्रैक्टर पे तैयार करने में खर्चा होगा। डीआई साडा पहला कराया हुआ सी, पावर भी पहला कराया हुआ सी। अच्छा पावर स्टीयरिंग भी पहले से था और डीआई भी पहले। अगला हिस्सा ते इंजन दा बड़ा मोटा काम कराया है। चलो वो तो जो भी है भाई, जितना खर्चा आया देखो इतना खर्चा है इंजन में नहीं आया, जितना खर्चा इसे मॉडिफिकेशन में आया है। अब जैसे ये सिंगल शो पीस तैयार करनी और छोटे बड़े टायर डलवाने, तो इन चीज़ों में काफ़ी खर्चा लग जाए है। ठीक है, अपना ड्राई एयर क्लीनर करवा दिया ड्यूल एलिमेंट वाला और सारे नोजल वगैरह सब कुछ नया लगा दिया। पंप अपना वो है मोटरपाल वाला है ये? अच्छा माइको कर दिया इसमें। अच्छा ये यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप लगा दिया बंदे ने बना कर डिजाइन करके। अच्छा ये है पावर स्टीयरिंग ड्यूल एक्टिंग वाला, ये सारा जिंक कोट करवाया। अच्छा जिंक कोट है पूरा पूरा? वाह जी वाह, सही है। इस जिंक कोट कराएगी सारी वो पीछे वाली है जिंक कोट है। अगला और अच्छा ये फ्लैट पायदान करवा दिया भाई ने। वाह जी वाह, हीट गार्ड भी लगा दिए साथ के साथ में। ट्रैक्टर भी इसलिए चढ़ पा रहे भाई क्योंकि अभी इस पर ना पॉलिश कर रखी है, लेमिनेशन कर रखी है, जिससे ट्रैक्टर ना दो लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। और ये अपना मीटर देख लो भाई, इसका ओरिजिनल मीटर की खास बात आरपीएम भी दिखाएगा आपको और स्पीड भी दिखाएगा आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। चेन वाले स्टीयरिंग के साथ में अपना फाइबर हुड और आगे छोटी छोटी लाइटें लगवा दी और नीचे फैन म्यूजिक सिस्टम सीट डिलक्स सीट लगवा दी भाई ने, आर्म रेस्ट के साथ में एडजस्टेबल सीट दे दी। यहाँ पर टूल बॉक्स हो गया, ये मुठगार अपने 16x28 का टायर वही साइज पीछे, और इसमें डबल वेट प्लेट लगा दी और साथ में ये लोगो लगा दिया मर्सिडीज गाड़ी का। यहाँ पर पीछे ये लाइट लगा दी बैक लाइट जो अपना महिंद्रा अर्जुन में थी वो लाइट लगा दी। बोतल होल्डर रिफ्लेक्टर डबल स्पूल वॉल कर दिया पीछे, हर सुविधा दी ट्रैक्टर के अंदर जो छोटी मोटी को जो कमियाँ थी ट्रैक्टर के अंदर। हिच ऑप्शन दे दिया काफ़ी ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए। स्टेबलाइजर दे दिया अच्छी क्वालिटी के, रिडक्शन के साथ में आता है अपना इसका बैक एक्सल जो है रिडक्शन के साथ में। और लिफ्ट ऑप्शन पर लिख दिया ड्राफ्ट पोजीशन वगैरह का सारा सिस्टम। बैक लाइट ये देखो पीछे से 8-11 सीधे मूछे वाला। वाह 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 बढ़िया, बिल्कुल एकदम दीवान की ना सर चढ़ के बोल रही है। ये डबल पैडल ब्रेक, और यहाँ पे गियर ली और चार्ट भी लगा दिया भाई ने। तो मीटर में सारा ओरिजिनल ही हुआ है? हाँ ओरिजिनल ही है जी, तो मीटर तो ओरिजिनल देख लिया। हाँ उसी टाइम का ही है, यहाँ पे इसकी वो प्लेट लग रही है जो इसके साथ में आती थी। ये स्विच अपना बैटरी के लिए भाई? एक तो हाँ ये बैटरी कट करने वाली है। ठीक है, बैटरी सिस्टम कट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो जाएगा यहाँ पे पूरा। पायदान भी बड़ा होगा, तो कुछ सामान भी रख सका बंदा आराम से, सारी चीजें सारी सुविधाएं हैं। अच्छा ये भी बढ़िया है भाई, ये प्रेशर के ब्रेक बना दिए सारा डिब्बी वगैरह तेल तेल की सारी। अच्छा बैटरी बॉक्स नीचे दे दिए यहाँ पे दोनों पास बैटरी बॉक्स, उधर भी है इधर भी है, अगर अच्छा बड़ा सिस्टम लगाना हो स्पीकर वाला तो दो बैटरी रख सकता है। अच्छा दोनों बैटरी रख सकता है? ना ना ये चीज अल्टरनेटर है, ये बड़ी पावर वाला लगाया। ठीक हाँ वो बैटरी आराम से जल्दी चार्ज कर दे आसानी से। यहाँ पे लाइट लगा दी ताकि चलते टाइम रात को काम को करना होगा। जो काम है ये वाला बैरिंग का अभी और होना है, अंडरग्राउंड होगी बैरिंग। अच्छा वायरिंग और अंडरग्राउंड जाएगी, वो उन्होंने बोला है कि अपने गांव में करवाएंगे। ठीक। अच्छा साइलेंसर ये हीट गार्ड बचने, चलो कोई नहीं वो तो एक अलग चीज है। फिर यार बोनट सही पसंद आया भाई इसका, बहुत आए भी भाई। खोलिए फिर, अरे वाह दोस्त, और वाह सारी तरह बोनट बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, सही बताऊंगा। हालांकि देख ट्रैक्टर तो ओवरऑल पसंद है
पर एक फीचर ऐड कर रहा था, बड़ा अच्छा कर रखा है इसने, वाकई में बंदे ने, बनाने वाले ने कमाल कर दिया भाई। ये है भाई। अच्छा इसने बनाया है। वाह वाह वाह, लगा लो। ठीक है भाई साहब, ठीक है, जैसे सबका सहयोग है, सबका साथ सबका सहयोग, इसमें तो अच्छी बात है यार। धन्यवाद भाई, इस ट्रैक्टर बड़े संभाल कर रखिए, दिल तक रखिए, मैं तो ये कहूँगा अपने बुजुर्गों की निशानी है, प्यार से चलाइए भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें अब देखने को मिलती नहीं। बाकी आपने तो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू बनवा दिया ट्रैक्टर दोबारा से, और वही इनका नंबर दोबारा फिर दिखा देता हूँ भाई होगा, इस नंबर पर ना कॉल कर लेना इसके बारे में, ट्रैक्टर बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो भाई यही था। जैसी वीडियो लगे आप है ना कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।